दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी उठ रहा हूँ, जस्ट अब सुबह के बज रहे 10:30। तो मैं काफ़ी लेट उठ रहा हूँ और शायद मैं मैक्सिमम लेट ही उठता हूँ। तो उठ करके काफ़ी फ्रेश हो गया हम, लेकिन फिर भी मुंह तो धोना पड़ेगा कि नहीं तो मुंह महकेगा। तो चलिए, मैं इतना लेट इसलिए उठ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जमा करता हूँ अपने बॉडी में, क्योंकि पूरा दिन मेरा पूरा एनर्जेटिक गुजरे, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा सोता हूँ, अधिक से अधिक 10 से 12 घंटा। हाँ, इतना ही लंबा सोता हूँ मैं। तो ठीक है, तो चलिए उठते हैं और उठ कर ब्रश सब करेंगे, क्योंकि इतना लेट हो गया है। ज़्यादा इतना लेट मतलब फिर ना तो गाली वाले पड़ सकता है। अब उठते हैं, ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, इसके बाद आज को नहीं नहाएंगे, आज को ठंडा लग रहा है हमको। हेलो गाइस, मैं उठ गया हूँ अपना पूरा फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि मैं 10 घंटा सोया हूँ तो एनर्जी भी डबल हो गई है मेरी। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा नींद पूरा करना ज़रूरी है। तो मैंने ब्रश करके दांत कर लिया है साफ, अब मुंह भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्रश करके। तो ये है हम लोग का पपीता का छोटा सा पेड़, अभी काफ़ी छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है। और इसमें मैं पानी डालने का सोच रहा था, लेकिन मैं इतना लेट उठता हूँ कि पहले ही मेरे शायद मम्मी ने इसमें पानी डाल चुका है। और यहाँ रहा मेरा घर का आम का पेड़ और ये अमरूद का पेड़ और ये सजना जो एक्सपायर होने जा रहा है, सजना और एक अमरूद का पेड़ बस। और हमारे यहाँ छोटे छोटे ड्रैगन भी है, जैसे आप देख सकते हो। हाँ देखिए, ड्रैगन, छोटे छोटे ड्रैगन है। तो इसके बाद यहाँ जो आप नेट देख रहे हो, जिसको घेरा गया है, नेट से एक जगह घेर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का जो हरा हरा आप लोग को निकला निकला जो घास दिख रहा है, वो है क्या बोलते हैं उसको भाई, लहसुन, लहसुन, वो है लहसुन। और हम लोग संथल में बोलेंगे रसुन। तो ये है रसुन, लहसुन जो हरा हरा निकला हुआ दिख रहा है। तो गाइस, हम लोग फल सब्जी का आज को बात करेंगे, फल सब्जी, सॉरी फल नहीं, खाली सब्जी की बात करेंगे। ओहो गाइस, बहुत बड़ा बड़ा अमरूद गाइस, कहाँ मिला गाइस? मेरा पेड़ का तो नहीं है गाइस, पता नहीं हमको, तो पता नहीं हमको, तो हम तो उठते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं कि मेरा घर का पेड़ में कितना बड़ा बड़ा अमरूद लगता है। लेकिन काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो यार, क्या देखोगे, हम खुद देख रहे हैं। मन कर रहा है खाने का, लेकिन नहीं खाएंगे क्योंकि ये मेरे दोस्त का है, खा लेंगे तो फिर गाली पड़ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी और एक घेरा किया गया है साड़ी और नेट से, मस्कीटो नेट से। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी काफ़ी सारे हम लोग सब्जी लगाए हैं। काफ़ी सारे नहीं, मतलब फिर भी थोड़ा सा एरिया में काफ़ी सब्जी लगाए हैं। तो देख सकते हो, मत देखो यार। तो इधर है मेरा टमाटर जो इधर दिख रहा है, इधर है बैगन, आई वहाँ है मेरा मिर्ची, वहाँ उस साइड में है आलू। और जो साइड साइड आपको दिख रहा है, ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है ये सब। चलिए अंदर घुस के दिखाते हैं बढ़िया से। तो मैं सोच रहा था इसमें भी वो नेट, और ये है मेरी दुलड़िया जिसका हवा निकल गया है, गाड़ी ठीक नहीं करा पा रहा हूँ, इसका टायर को नहीं बदल पा रहा हूँ। तो काफ़ी मेरा गाड़ी रखी हुई है और मैं भी कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ उसकी वजह से। तो जब ठीक होगा तब हम लोग घूमने जाएंगे। और रखे रखे मेरा गाड़ी काफ़ी गंदा हो चुका है और एक दिन भी मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं किया है, मेरे ख्याल से ठंडा पड़ गया होगा तो स्टार्ट भी नहीं लगा जल्दी। तो ठीक है, अब घुसते हैं हम लोग मेरा सब्जी का गार्डन में। सब्जी गार्डन होता है क्या, कि फ्लावर का ही गार्डन होता है, वो तो नहीं पता। घुसते हैं जहाँ हम लोग ने सब्जी लगाया है भैया। तो यहाँ से मैं हूँ अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी पानी डाल दिया गया है, यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं, आलू में ज़्यादा पानी डालते हैं तो यहाँ, इसीलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूँगा। तो हम तो लेट उठे हैं आज को, तो इसमें पहले मेरे घर वाले ने, आई मीन मेरे मम्मी लोग या मेरा भाई लोग ने पानी डाल चुका है, या मेरे दोस्त ने पानी डाल दिया होगा पहले में ही, क्योंकि हम तो लेट उठे हैं। हम तो इसीलिए कोड़िया बन चुके हैं भाई, पूरा तरह से लेजी, लेजी कोड़िया नहीं, लेजी। तो देखो ध्यान से देखो, ये रहा बैगन, वहाँ रहा मिर्चाई, इधर हुआ आलू। आलू के काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं, और बोला जाता है कि आलू का पत्ता कभी खा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी खाया तो नहीं है, आई मीन पका के हम लोगों ने कभी खाया नहीं है साग की तरह, आलू का पत्ता को साग की जैसे पका के साग खा सकते हैं, लेकिन मैंने तो कभी खाया नहीं है। मम्मी लोग खा चुकी है तो लोग बताती है। तो इधर हुआ टमाटर, बस ये तीन चीज़, और साइड साइड में कौन चीज़ है पता नहीं मेरे को, वो सब फोकस ले भाई, साइड साइड में पता नहीं क्या है वो सब, और उस साइड में आपको दिख रहा होगा वो सब, मेरे को तो नहीं पता क्या है।
और इस साइड में है धनिया पत्ता, और लाल लाल कौन सा पत्ता जो मेरे को नहीं पता, इधर हम लोग लगाया है धनिया पत्ता, तो धनिया पत्ता भी काफ़ी छोटा है, तो हम लोग हरी सब्जी को घर में खा सकते हैं, अभी हम लोग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा जी जी तो यही देख लो। ओह मेरा ही घर का अमरूद है, क्योंकि हाई गो शायद चूहे या चूहा या कोई छोटा जानवर खाया होगा, या हो सकता है चमगादड़ खाया हो, तो मेरा घर का अमरूद है, अमरूद था जो मैंने देखा था, लेकिन सब तोड़ लिया गया है, अभी तो एक भी नहीं है, अभी एक अमरूद नहीं है मेरा पेड़ में। ठीक है गाइज, तो गाइज हम लोग निकलते हैं, हमारा सब्जी का एरिया से मेरा ब्रश गिर गया यार, तुम कहीं मत जाओ, तो ठीक से बंद करते हैं नहीं तो ये लोग घुस जाएगा मुर्गी लोग साइड से, क्योंकि लोग ऊपर से तो नहीं घुसता है भाई, ऊपर बाउंड्री क्या हुआ है, नेट लगाया हुआ तो ऊपर से नहीं घुसता है, क्योंकि लोग को टेक ऑफ करने में दिक्कत होगा, अगर उतर जाएगा तो लोग को बड़ा एरिया में टेक ऑफ करना पड़ता है, इसलिए लोग जल्दी नहीं उतरता है, हर लोग वैसे भी दीवार के उस पर इस पर जाने में थोड़ा सोचता है, तो इसलिए ऊपर से तो नहीं साइड से घुस सकता है लोग। तो ये हम लोग छोटा सा सब्जी जो हम लोग लगाए हैं, अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में मेरा है, मुझे तो ज़्यादा पसंद है तो ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं भाई, रात का बचा हुआ चावल था जो अभी फ्राई कराएंगे, और फ्राई करा के मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है, तो मेरा आज का ब्रेकफास्ट वही रहेगा फ्राइड राइस। मुझे काफ़ी बड़े हो गया है गुरुजी, लगता है मुझे काटना पड़ेगा, अगर मैं छोटे छोटे ड्रैगन है, जैसे मैं लोगों की तरफ जाता हूँ तो लोग भाग जाते हैं, तो ये रहे ड्रैगन, बस ये लोग के मुँह से आग नहीं निकलता है, कहाँ नहीं भूल गया था, तो मैं हल्का होकर आता हूँ, इसके बाद फ्राई अब लोग कंटिन्यू करेंगे, मैं हल्का होकर आ रहा हूँ थोड़ी देर में ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो हल्के होने के बाद, छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से आ गया वापस, तो देखते हैं मेरा फ्राइड राइस हुआ है कि नहीं, तो जल्दी देख के आते हैं भाई, क्योंकि हमको भूख लग रही है, और जल्दी भी खाना है हमको, भूख लग रहा है और जल्दी खाएंगे, इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, जो भी इसके बाद देखा जाएगा आगे जो भी होता है, तो पहले मेरा फ्राइड राइस को हजम किया जाए, आई मीन खा लिया जाए। तो मेरा खाना हो चुका है रेडी, मेरा फ्राइड राइस, और मेरा इधर में अंडा है, इधर में पता नहीं आलू और इधर क्या जो बोलते हैं, आलू और क्या रे मूली, आलू और मूली, और बगल में यहाँ पे दाल। तो मेरा खाना तैयार, हमें खाता हूँ भाई, मेरा ब्रेकफास्ट यही है, क्योंकि कल रात को खाना नहीं खाया तो वही बचा हुआ खाना वो खाना पड़ रहा है। ठीक है जल्दी मैं खा लेता हूँ अभी, तो खाना मैं शुरू करता हूँ, तो मिलते खाने के बाद, पहले खा लेंगे इसका, दोनों मिलेंगे, अभी तत्काल के लिए आप लोग फिर से छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। इतना पैसा है मेरे पास कि गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। मैंने खाना खा लिया है और मैं वापस कंटिन्यू ब्लॉग में आ गया हूँ, तो अभी क्या करेंगे थोड़ा देर समझ नहीं आ रहा है, अभी कोई काम धंधा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ करा नहीं पड़ेगा, तो सोच रहे अभी थोड़ा देर गेम खेलते हैं। तो गेम, तो ये ब्लू वाला मैं हूँ, रेड वाला और ये येलो वाला पता नहीं कौन, रेड वाला पता नहीं कौन, ग्रीन वाला तो भाग चुका है, देखते हैं और कितना देर गेम चलेगा, क्योंकि ये दोनों भी मेरे को लगता नहीं कि खेलने वाला है, मैं अकेले ही खेल रहा हूँ, बोरिंग लग रहा है। तो दोस्तों मैं हो गया थोड़ा सा बोर, क्योंकि गेम खेला वो भी मज़ा नहीं आया, गेम खेल के अच्छा नहीं लगा, प्लस थोड़ा टाइम वेस्ट किए इधर उधर बैठ के, अच्छा लगा तो सोच रहे क्या करें, तो माइंड में अचानक से ख्याल आया कि पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है, तो थोड़ा सा क्योंकि लाइफ में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो भाई छोकरी भी नहीं मिलेगी, तो ठीक है थोड़ा सा जल्दी क्या जाए। तो ये रहा मेरा कॉपी, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, क्या बात है, मैंने काफ़ी पढ़ाई कर ली पहले, लिखते हैं तब ए बी सी डी ई एफ, वाह भाई लगता है मुझे जॉब मिलना पक्का है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्लावर, अब मुझे जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तो यूपीएससी क्रैक तो हो ही जाएगा मेरा, इतना पढ़ाई काफ़ी है, हो गया आज के लिए इतना ही, मैक्सिमम चीज़ हो गया, अभी हमको लग रहा है थोड़ा सा सो लेना चाहिए, थोड़ा सा आराम करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा झपकी ले लेता हूँ, झपकी लेने के बाद फिर मिलेंगे हम लोग थोड़ा देर में। तो अभी हो गया शाम, काफ़ी देर हम सो गए थे, तो अभी जाएंगे चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन पार्क में थोड़ा हम लोग घूम लेंगे, तो चले चलते चिल्ड्रन पार्क, और डायरेक्ट मिलते हैं चिल्ड्रन पार्क में ही, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, मिलेंगे हम लोग डायरेक्ट चिल्ड्रन पार्क में,
तो चले चलते हैं भाई, टाइम की बर्बादी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम चिल्ड्रन पार्क पहुंच गए और चिल्ड्रन पार्क का नजारा कुछ इस प्रकार है। वहाँ बच्चा अपने मम्मी के साथ झूला झूल रहा था, उसके बाद यहाँ बच्चा लोग के लिए खेलने के लिए, जब हम छोटे थे तब ये सब नहीं था, जब हम बड़े हो गए तो ये सब बना दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं अब इसमें चढ़ के। तो शाम का 4:30 बज रहा है, हाथी पर चढ़ना सख्त मना है। ठीक है, ये हाथी तो मेरे इतना हाइट का है रे। तो हाथी छोड़ के हम आगे बढ़ गए, तो आगे मैं आपका ये बच्चा लोग को खेलने के लिए बनाया गया है काफ़ी सारा, बच्चा लोग बड़े लोग सब इसमें खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है, हम नहीं करेंगे। तो इसी तरह का कुछ मैंने पाकुड़ में देखा था, पाकुड़ का पार्क में, तो वहाँ का काफ़ी बड़ा बनाया था झरना टाइप से, इसमें भी पानी मतलब बहाया जाएगा अभी तो नहीं, लेकिन ये भी झरना टाइप से बनाया है, लेकिन ये छोटा साइज़ में है, पानी पूरा सूख गया है भाई साहब। और वहाँ पे दो बच्चियाँ झूला झूल रही है, और वहाँ जो दिख रहा है वहाँ रेस्ट करने के लिए बना दिया गया है, सेम टू सेम मैक्सिमम पार्क में सेम डिज़ाइन का बना हुआ रहता है। पाकुड़ पार्क भी देखे थे बैठने के लिए, इसी टाइप से डिज़ाइन वहाँ का बना हुआ है। और ये तो इधर अभी इधर उधर टहल रहे हैं, क्योंकि मेरे झूलने लायक यहाँ पे कोई झूला नहीं है, और बाकी सब में मज़ा नहीं आएगा, छोटा छोटा झूला है, दो को झूला ख़राब है जिसमें जो राउंड राउंड घूमता है। टहलते टहलते आपको पार्क घूमने में, पूरा कंप्लीट पार्क घूमने में मैक्सिमम आपको 10 मिनट ही लग सकता है। इसमें लगता है एक तरफ को ज़्यादा वजन वाला आदमी बैठ गया था, जिसको जैसे एक तरफ का बैठने वाला टूट चुका है, और एक तरह का सही सलामत है।